अब आगे देखते हैं जी भारतीय मीडिया। एक तरफ पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को SCO समिट में शामिल होने का न्योता भेजा। थोड़ा सा डर लगता है। नरेंद्र मोदी के मैं टुकड़े करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। पिक्चर चालू करो बे। मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान 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 की माता। दिल्ली में भाषण देते हुए जयशंकर जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला आर्टिकल 370 ने खत्म कर दिया है। और नहीं तो क्या। राजनीति में हिंदुओं के फलसफे और गुरु माने जाने वाले चाणक्या ने हजारों बरस पहले अर्थशास्त्र में लिखा था कि इकतदार के लिए किसी भी उसूल को तोड़ना जायज है। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब रखना और पड़ोसियों के पड़ोसियों को दोस्त बनाकर रखना। चाणक्या के उसूलों पर किसी ने अमल किया हो या ना किया हो, बीजेपी की सरकार तो एक एक पॉइंट पर अमल कर रही है। तू क्यों रो रहा है, तेरी माँ मर गई है। दोनों में अगर कुछ मुश्तरक है तो वो है मुस्लिम और पाकिस्तान दुश्मनी। जैसा कि आप सबको पता है कि अगले महीने SCO की मीटिंग होने वाली है। वो मीटिंग पाकिस्तान होस्ट करने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान इस इवेंट का होस्ट है तो पाकिस्तान को जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं सबको न्योता भेजना होता है, तो उन्होंने न्योता भारत को भी भेजा। मोदी जी जाएंगे या नहीं जाएंगे ये अभी तक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि अभी तक ना तो भारत सरकार ने कुछ कहा है ना मोदी जी ने कुछ कहा है। ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन इससे रिलेटेड सवाल जब जयशंकर जी से पूछा गया तब जयशंकर जी ने दो टूक के अंदर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। आई थिंक द एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान इज ओवर। वाह भाई वाह। एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस एंड इन सो फार एज जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न आई थिंक 370 इज डन। इशू टुडे इज व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप कैन वी पॉसिबली कंटेम्प्लेट विद पाकिस्तान। व्हाट आई डू वांट टू से इज वी आर नॉट पैसिव एंड वेदर इवेंट्स टेक अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डायरेक्शन आइदर वे वी विल रिएक्ट। और जयशंकर जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं इनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, समर्थन करता हूँ और मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी इनकी बात से समर्थन करेगा। ओह यस 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 यू आर राइट। लेकिन इनकी बात से अगर कोई असमर्थन जाहिर करेगा वो है पाकिस्तानी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज एंकर डॉक्टर फिजा खलीफा। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये बयान जयशंकर जी ने 3 दिन पहले दिया है। ये बंदी 3 दिन से पता नहीं कौन से कोने में घूमड़ी में सूमड़ी में लगी हुई थी, किसके साथ में पता नहीं, लेकिन 3 दिन के बाद इसकी आंखें खुली है, ये जागी है और सीधा जयशंकर जी पे आ गई है। भारत के वजीर खारजा और वजीर दाखिला में कद काट तालीम उम्र और फैमिली बैकग्राउंड में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। वजीर दाखिला अमित शाह ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है और वजीर खारजा जयशंकर ने इंटरनेशनल रिलेशंस में डॉक्टरेट की डिग्री ली है। ठीक है। एक की उम्र 69 साल है, दूसरे की 69 साल है। ओके। दोनों की शख्सियत में भी कहने के जमीन आसमान का फर्क है। हाँ भाई हाँ। यकीनी तौर पर पसंद नापसंद और तरजीहात में भी कहीं ना कहीं जरूर फर्क होगा, लेकिन दोनों में अगर कुछ मुश्तरक है तो वो है मुस्लिम और पाकिस्तान दुश्मनी। भारतीय वजीर आजम कहने को तो लाख कहें कि जी हमारा पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं है। सही कहते हैं हमारे PM, और हमारे PM को तो छोड़ो, हमारे देश की आवाम भी कहती है कि फटीचरों से क्या मुकाबला, भूखे नंगों से क्या मुकाबला। और तुम पाकिस्तानियों के बारे में तो यही बोलना चाहूंगा मैं, अरे कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। लेकिन दर हकीकत भारत के हवासों पर 24 घंटे पाकिस्तान सवार रहता है। और ये आज की बात तो नहीं है, नेहरू ने बंटवारे के वक्त बड़े गुरूर से पाकिस्तान की उम्र 6 महीने बताई थी और कहा था कि पाकिस्तान 6 महीने बाद खुद हमसे हिंदुस्तान में शामिल होने की दरख्वास्त करेगा। आज नेहरू कहाँ और उनकी चिता की राख कहाँ, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान के सीने पर मूंग दलने के लिए कायम दायम है और इंशाल्लाह ता कयामत रहेगा। अरे फिजा, नेहरू जी की बुराई नहीं करते, तुम्हारी राहुल गांधी से रिश्ते की बात चल रही है ना, उसके पढ़ना ना आई है। और राहुल गांधी को पता लगा कि तुम नेहरू जी की बुराई कर रही हो तो फिर तुम्हारी शादी कैसे होगी फिजा खलीफा, तुम भी रंडवी हो वो भी रंडवा है, कैसे मिलन होगा। क्या जोक मारा भाई। तो नेहरू जी के बारे में कंट्रोल रखो थोड़ा। ठीक है जी। अभी तक तो तुम्हें सिर्फ राष्ट्रवादी बीजेपी वाले राम भक्त पहल के जाते थे, अब कांग्रेस भी पहलना शुरू कर देंगे। थोड़ा बहुत सपोर्ट जो भी करते ना तुमको कांग्रेस ही करते हैं। तो नेहरू जी के बारे में तमीज से बोलो, हमारे देश के पहले वजीर आजम है वो। हाँ भाई हाँ। और यही सच्चाई भारत की इंतहा पसंद सरकार को चैन से रहने नहीं देती। इस बेचैनी और जलन में मजीद इजाफा खित्ते में भारतीय मुफादात को पहुंचने वाले नुकसान से हुआ है। राजनीति में हिंदुओं के फलसफे और गुरु माने जाने वाले चाणक्या ने हजारों बरस पहले अर्थशास्त्र
शास्त्र में लिखा था कि इक्तदार के लिए किसी भी उसूल को तोड़ना जायज है। इसका मतलब फिजा खान ने चाणक्य के बारे में पढ़ा है, तो मैं फिजा खान को सिर्फ इतनी सी सलाह दूंगा, ऑथेंटिक चाणक्य की बुक पढ़ ले। ये तुम्हारे पाकिस्तानी जो चाणक्य वर्जन होगा वो खिचड़ी होगा पूरा। जैसे तुम्हारे पाकिस्तान की किताबों में पढ़ाया जाता है ना कि पाकिस्तान बनाने की शुरुआत जद्दोजहद 7वीं सदी से शुरू हो गई थी, मोहम्मद बिन कासिम के समय से शुरू हो गई थी, तो वैसे ही चाणक्य तुमने पढ़ लिया है। इसलिए हिंदुस्तानी किसी ऑथर की किताब पढ़ो, सही चाणक्य मिलेगा। तुम्हारा चाणक्य भी फर्जी है उधर का। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब रखना और पड़ोसियों के पड़ोसियों को दोस्त बनाकर रखना, चाणक्या के नसूलों पर किसी ने अमल किया हो या ना किया हो, बीजेपी की सरकार तो एक एक पॉइंट पर अमल कर रही है। चाणक्या ने बताया कि हमसाया सल्तनतों से वही सलूक किया जाए जो दुश्मनों से किया जाता है। तो देखें जरा, देख लें कि भारत के शर से उसका कौन सा पड़ोसी महफूज है। अच्छा, सिफारती महाज पर इन तमाम नाकामियों से भारतीय वजीर खारजा जयशंकर बुकलाहट का शिकार हो गए। फिजा खलीफा ये फैसला कर देगी, हमारी ऑडियंस, हमारे दर्शक जयशंकर साहब की भी स्पीच सुनी उन्होंने और अब तुम्हारी भी सुन रहे हैं, और बौखलाहट किसके चेहरे पर नजर आ रही है, दुनिया फैसला करेगी। वाह भाई वाह। उन्होंने खुद पर होने वाली तनकीद की जो जवाबदेही है उसे बचने के लिए जेब से पाकिस्तान कार्ड निकाल लिया, और गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में भाषण देते हुए जयशंकर जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला आर्टिकल 370 ने खत्म कर दिया है। अब सवाल ये कि हम पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात रखना चाहते हैं। फिर चाणक्य के इस चेले ने कहा कि मामला चाहे मस्बत सम्त में जाए या फिर मनफी में, हम रद्द अमल देंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। और ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। जयशंकर दिल्ली के हैं और दिल्ली के जाम भी चांदनी चौक से वाकिफ होंगे, है ना, और नामुमकिन है कि वो बारादरी के मिर्जा गालिब से वाकिफ ना हो। और उन्होंने गालिब से अगर वाकिफ है तो गालिब के उस शेर का मिसरा भी सुन रखा होगा कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो जय शंकर साहब, आप खुश रहें, तोते पालें या खुशफहमियां पालें, हमें क्या। अलबत्ता हम ये जरूर कहेंगे कि अगर आपके बकौल जम्मू कश्मीर का तनाजा खत्म हो चुका है तो जरा श्रीनगर में लाला शेख एंड सन्स के रेस्टोरेंट पे कभी ना चाय की चुस्की लेने की हिम्मत करें, करें हिम्मत, बख्तर बंद गाड़ी में जरा जाएं और श्रीनगर का दौरा करें। अगर मामला खत्म हो चुका है तो आपने फिर ख्वाम खा कश्मीर में जो आपके 9 लाख से ज्यादा सिन्हा है, सिन्हा। अबे फिजा, कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊं, कितनी बार मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि सिन्हा क्या होती है, सेना बोला करो, सेना। ठीक है जी, रही चाय की बात, तो तुम भी आ जाओ कश्मीर, मैं भी पहुँचता हूँ कश्मीर, साथ में मिलके पियेंगे। जिस दुकान का तुम नाम ले रही हो वो तो जयशंकर साहब है, वो तो चाय वाले को दिल्ली में बुला के चाय पी सकते हैं, उनकी बात तो छोड़ दो। और अगर फिजा खलीफा तुम्हें कुछ तकल्लफ ना हो तो हमारी IML की जितनी भी फैमिली है वो सब भी ज्वाइन करना चाहेगी चाय को। क्यों भाई लोग, वो फौजी क्यों भेज रखे हैं? और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को कि इस तरह की हरकत करने से आप ये जो यकतरफा इकदाम आते हैं हकीकत नहीं बदल सकते हैं। मसला कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाजा है, भारत इश्तियाल अंगेज बयान से गुरेज करे। और मजीद ये कहा है कि पाकिस्तान बातचीत के लिए पूरा जमीन, लेकिन वो किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देगा। जयशंकर जी, जवाब मिल गया पाकिस्तान से, पाकिस्तान तो पीछे हटने को तैयार नहीं है, अब आप तैयारी पकड़ें कि शंघाई तावन तंजीम की मीटिंग में सीने पर पत्थर रख कर ही सही, अक्टूबर में किसी को तो पाकिस्तान भेजना होगा, आपको पाकिस्तान किसी को तो भेजना होगा। और हमारी माने तो अमेरिका से जिद छोड़ दें, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा, पड़ोसी बदले जा सकते हैं और ना ही पड़ोसी छोड़े जा सकते। आय हाय, फिजा खलीफा बुला तो ऐसी रही है जैसे स्वागरात का बेड यही सजाएगी और खुद वहाँ पे दुल्हन बन के बैठी रहेगी स्वागत के अंदर। अभी तो आने वाला समय ही बताएगा कि मोदी जी वहाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या जयशंकर जी जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि जयशंकर जी जाए, क्योंकि मोदी जी तो एक बार फिर भी थोड़ा सा लिहाज कर लेते हैं, क्योंकि वो देश के सर्वोच्च स्थान पे बैठे हुए हैं तो उनको थोड़ा सा लिहाज करना पड़ता है। लेकिन जयशंकर जी जो एक्सपीरियंस है उनका और जो बोलते हैं, इनका कोई सानी नहीं है। मैं तो कहता हूँ जयशंकर जी को जरूर जाना चाहिए और इन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की जमीन पे खड़े होकर इनको जलील करके आना चाहिए। वाह भाई वाह। खैर, पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका, आप भी इन पाकिस्तानियों को लताड़ सकते हैं और खास तौर से फिजा खलीफा का मुंह सुझा सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।